नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बहुत दिन से उज्जैन से भोपाल की महत्वपूर्ण ट्रेन उज्जैन भोपाल पैसेंजर का संचालन ना होने से छोटे छोटे स्टेशन के यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। खासतौर पर सुबह के वक्त यह ट्रेन भोपाल से उज्जैन के यात्रियों के लिए काफ़ी सुलभ होती थी तथा वह दिन में अपना काम निपटाकर शाम के समय वापस भी इसी गाड़ी से हो जाते थे, लेकिन इनका संचालन ना होने से काफ़ी परेशानी आ रही थी। वहीं एक और महत्वपूर्ण ट्रेन इंदौर भोपाल नाइट एक्सप्रेस भी यात्रियों में काफ़ी लोकप्रिय थी, जिसका भी संचालन कोरोना काल के बाद से ही बंद था। हमने इस विषय में रेलवे को काफ़ी बार ट्वीट किए, हाल ही में एक ट्वीट परसों भी किया था, जिस खैर इसका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड में काफ़ी समय से लंबित था, तो उसे एक ना एक दिन अप्रूवल मिलना ही था, तो इसको अप्रूवल मिल गया है तथा यह दोनों गाड़ियाँ पश्चिम रेलवे की अन्य 15 गाड़ियों के साथ में अगले हफ्ते से दौड़ना शुरू कर देगी। सबसे पहले बात करते हैं इंदौर भोपाल एक्सप्रेस, जो कि रात के समय चलती है। इसका समय इंदौर से चलने का बदल गया है, 11:15 बजे रात में ये इंदौर से चलेगी। इसके बीच में छोटे स्टेशनों से स्टॉपेज हटा दिए गए हैं, इसलिए आप समय सारणी का अवलोकन करके यात्रा करें। यह भोपाल सुबह 5:10 पर पहुंच जाएगी, लेकिन इसका संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं है। एक बड़ी बात यह है, यह गाड़ी अपना पहला सफ़र 14 अप्रैल से शुरू करेगी तथा भोपाल से यह गाड़ी 15 अप्रैल को रात में 11:10 पर रवाना होकर इंदौर सुबह 4:55 पर पहुंच जाएगी। वहीं उज्जैन भोपाल पैसेंजर गाड़ी, जिसको कि किराया स्पेशल गाड़ी के रूप में चलाया जाएगा, इसमें एक्सप्रेस का किराया लगेगा। यह खास बात है, इस गाड़ी का संचालन 15 अप्रैल से दोनों दिशाओं में किया जा रहा है। इसकी समय सारणी लगभग पुरानी वाली समय सारणी के आसपास ही है, थोड़ा बहुत बीच के स्टेशनों पर इसका समय चेंज हुआ है। बात करें भोपाल से यह गाड़ी सुबह 6:25 पर रवाना होगी, बीच के लगभग सभी स्टेशनों पर स्टॉपेज लेते हुए यह उज्जैन 11:00 दोपहर में पहुंच जाएगी। इसके ज़्यादातर स्टेशनों के समय बदल गए हैं, इसलिए समय सारणी का अवलोकन जरूर करें। वहीं वापसी में यह गाड़ी शाम को 5:10 पर उज्जैन से रवाना होगी, सभी स्टेशनों पर स्टॉपेज लेते हुए भोपाल रात में 10:15 के करीब में पहुंच जाएगी। इन सब ट्रेनों के अलावा एक और ट्रेन जिसके बारे में हमने हाल ही में बात की थी, वह थी डॉक्टर अंबेडकर नगर इंदौर पैसेंजर डेमू गाड़ी। इसके लिए जो यात्री संगठन है, उन्होंने हाल ही में धरना भी डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन पर दिया था। इसको भी 14 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है। इंदौर से इसका समय रहेगा डेली शाम को 6:00, जो कि डॉक्टर अंबेडकर नगर शाम को 6:50 पर पहुंच जाएगी तथा डॉक्टर अंबेडकर नगर से यह गाड़ी शाम को 5:00 चलेगी और इंदौर यह शाम को 5:50 पर पहुंच जाएगी, जो डेली अप डाउनर यात्रियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रेन साबित होगी। पश्चिम रेलवे की अन्य पैसेंजर गाड़ियाँ भी जो एक्सप्रेस के रूप में चलाई जाना है तथा इनका भी संचालन 14 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। प्रमुख रूप से बात करें तो 4 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल डेमू गाड़ियां खंबात से आनंद के बीच में चलाई जा रही हैं, जिनका समय लगभग पुराने जो चलती थी गाड़ी उसके अनुसार ही रहेगा। ये सभी अनारक्षित ट्रेनें हैं, इनका आप काउंटर से टिकट कटाकर यात्रा कर सकते हैं। और इसके अलावा मोरबी से वाकानेर की एक डेमू गाड़ी दोनों तरफ से चलाई जाएगी 14 अप्रैल से। प्रतापनगर छोटा उदयपुर के बीच में एक डेमू गाड़ी अनारक्षित चलाई जाएगी। भानवड़ से पोरबंदर के बीच में 1 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल गाड़ी चलाई जाएगी। तो इन सबका संचालन 14 और 15 अप्रैल से किया जा रहा है, जो कि पश्चिम रेलवे के विभिन्न यात्रियों के लिए काफ़ी लाभदायक आने वाले समय में साबित हो सकती है।